नमस्कार सभी साहित्य कला अनुरागियों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से राजेश जोशी जी पर एक आग्र का आयोजन किया जा रहा है। आज इसकी 9वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ नरेश सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार नमस्कार। मित्रों, नरेश सक्सेना अब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैं कह रहा हूं कि नरेश सक्सेना जी के पास साथियों इतने तरह के अनुभव हैं और इतने लोगों के साथ उनका सहज जुड़ाव है कि इस तरह के कार्यक्रम में उनको सुनना अपरिहार्य हो जाता है। नरेश जी का राजेश जी के साथ और उस पीढ़ी के तमाम कई कई रचनाकारों के साथ कई स्तरों पर संबंध हैं। दोस्ती के स्तर पर, रचनात्मक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और साहित्य से इतर भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आज साझा होंगी। एक भरपूर दौर, जीवंत दौर हमारे बीच आएगा और आज के समय में संबंधों में जिस तरह की गर्माहट का अभाव हम देखते हैं, कहीं न कहीं ऐसी गोष्ठी में यह बात भी उठाई जाती है कि वह जो वक्त था और आज जो वक्त है, इन दोनों में कितना अंतर है। पहले के लेखकों में परस्पर जिस तरह के अनौपचारिक संबंध थे और जो उष्मा थी, आज उसकी कमी क्यों है? मगर इन सब पर बातचीत बाद में होगी। शुरुआत में हम नरेश जी से अनुरोध करते हैं कि बिल्कुल आरंभ से ही इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और ताकि मित्रों को भी एक कथा का भी आनंद मिले। क्रमशः हम आगे बढ़ें, दो रचनाकारों का मिलना जुलना, एक दूसरे को पढ़ना, जानना, समझना एक एक कर हम चलेंगे। तो जो इस बीच की पीढ़ी है, उन्हें भी इस संवाद के साथ जोड़ने में कुछ सुविधा होगी। जी नरेश जी, स्वागत। देखिए, जैसा आपने अभी आपने अभी कहा कहा, हमारे हमारे साहित्य की साहित्य जो मूल मूल तत्व है, जो साहित्य का जो मूल संवेदना साहित्य की होती है, वो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली होती। अगर आज इसका अभाव दिख रहा है तो ये एक बहुत गंभीर, हमारी गंभीर मानसिकता को रेखांकित कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कवि जो संवेदना के शीर्ष पर माना जाता है और जिसके मूल्य मनुष्यता के मूल्य होते हैं, वो अपने साथियों से कट जाए? और जिस तरह के रिश्ते साहित्य में हम लोगों के, हमारी पीढ़ी के और बाद की पीढ़ी के, राजेश 75 पार हैं और मैं 80 पार हूं, ऐसा कभी होता नहीं कि मैं भोपाल जाऊं और राजेश के घर जाकर न ठहर जाऊं। भले ही मेरे ठहरने का इंतजाम कहीं और हो, ऐसा जब लोग बुलाते हैं, जो संस्थाएं बुलाती हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी समझ में अच्छा इंतजाम करती है ठहरने का, भोजन का। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि वहाँ उनके बताए हुए स्थान पर ठहरने के बाद मैं वहां से छोड़कर चला आता हूँ और मैं इस समय भोपाल
में पहले तो ये था, एक और घर था भगवत रावत का, तो मैं कभी भगवत रावत के घर चला जाता था। एक बार और बताऊं आपको, बहुत बड़ा कार्यक्रम था भारत भवन में, और लोगों को 5 स्टार, उस समय 3 स्टार था शायद, बड़े होटलों में इंतजाम थे लोगों के ठहरने के। लेकिन मुझे जब निमंत्रण मिला तो उसमें लिखा था कि आपके ठहरने की व्यवस्था सोमदत्त के अनुरोध पर उनके घर पर कर दी गई। तो गाड़ियां तो सबको लेने स्टेशन आती ही थी, लेकिन मुझे लेके जो गाड़ी आई उसको इंस्ट्रक्शन थे कि सोमदत्त के घर पर ले जाके ठहराई। सोमदत्त नहीं रहे तो भगवत रावत का घर था, राजेश जोशी का घर था, और राजेश जोशी उस समय क्वार्टर में रहते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर में, उनका अपना घर नहीं था, उसमें 2 ही कमरे थे। लेकिन इसकी चिंता ही कभी नहीं की। आज सोच रहा हूं कि कितने कमरे थे उस घर में, तो शायद 2-2.5 कमरे थे, और ये कभी चिंता का विषय ही नहीं था कि घर छोटा है। और एक कमरे में हमारी मच्छरदानी लगाई जाती थी। तो ये राजेश जोशी यहाँ आए, लखनऊ आए, तो उन्हें घर पर ठहराया, और उन्होंने, बल्कि कितने ऐसे प्रसंग हैं जब वो चलने लगे, उनको मैंने कार्यक्रम में बुलाया था। हमारी पत्नी विजय दिवंगत हैं, उनकी स्मृति में हम हर साल एक कार्यक्रम करवाते हैं, तो उस साल राजेश जोशी को कविता पाठ के लिए बुलाया था। बहरहाल जब राजेश चलने लगे तो हमने कुछ मानदेय रख उनको देना चाहा, तो उन्होंने मना कर दिया बड़ी मुश्किल से, ये कह करके कि राजेश तुम कुछ दुबले लग रहे हो यार, तुम ये, उनकी जेब में मैंने लिफाफा रखा ये कह करके कि जाओ कुछ फल मेवा वगैरह इसका खा लेना मेरी तरफ से। तो ये राजेश, उन दिनों, और बहुत पहले की बात बताऊं मैं आपको, ये 25 साल से ज्यादा पुरानी बात है। राजेश किसी पत्रिका का संपादन कर रहे थे, विशेषांक निकाल रहे थे कविता पर, शायद समकालीन भारतीय साहित्य का हो या ऐसा, तो बहुत दिनों से मुझसे कविताएं मांग रहे थे। और ये सब जानते हैं कि या तो मैं कविताएं लिखता ही नहीं हूँ, बहुत कम लिखता हूँ, और लिख भी लेता हूँ तो आसानी से फिर देता नहीं हूँ किसी को। कहता रहा मैं दे दूंगा दे दूंगा, राजेश की चिट्ठियां आती रहीं, भोपाल से लोग आते रहे उनके भेजे हुए कि लखनऊ जा रहे हो तो नरेश नरेश जी से कविताएं ले आना। मैंने कहा भेज दूंगा। होता रहा, एक दिन राजेश जी लखनऊ आ गए, घर में आके ठहर गए, और उन्होंने कविताएं, तो मैंने कविताएं तो दे ही देंगे, इसमें क्या दिक्कत। अब रात के 12 बज गए, तो राजेश ने कहा कविताएं, मैंने कहा भाई कविताएं दे देंगे यार, अब रात के 12 बज रहे हैं, अब सो जाओ। अब बोले नहीं, कविताएं तो लेने के बाद ही सोएंगे। 1 बज गया, फिर कुछ बातें करते रहे, हमने कहा अच्छा देंगे। फिर 2 बज गए, मैंने कहा यार अब सो जाओ, अब कविताएं तो दे ही देंगे, हैं मेरे पास कविताएं। सुबह बोले सोएंगे नहीं, जब तक कविताएं नहीं मिलेंगी नहीं सोएंगे। बहरहाल मैंने कागज, पूरे कागज निकाले, कविताएं आमतौर पर मुझे लिखने की प्रक्रिया में याद हो जाती हैं, तो मैंने तत्काल उनको 2 कविताएं दी। उन्होंने कहा एक और दीजिए। वो कविताएं मुझे याद हैं, एक कविता थी उसमें कंक्रीट, और जो एक और कविता थी जिसमें, जिसकी पहली पंक्ति थी, जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, क्या मुसीबत में कविताएं होंगी हमारे साथ। राजेश इन कविताओं को ले गए, और जब उन्होंने अपना संपादकीय लिखा उस कविता विशेषांक का, तो उसका शीर्षक ही था जैसे चिड़ियों
चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, क्या मुसीबत में कविताएं होंगी हमारे साथ। और ये इतनी कविता वायरल हुई, इसका शीर्षक, ये पंक्ति जिसने भी उस विशेषांक के बारे में लिखा, उसने इस पंक्ति को कोट करते हुए ही लिखा, तो मैं रातों रात प्रसिद्ध हो गया। ये रिश्ते या इस तरह की बात कि हम अपने घरों को, अपने अपनी सुविधाओं को साझा करें, उसके लिए पूछना ना पड़े, उसके लिए फोन करके ये ना कहना पड़े कि यार तुम्हारे सीधा अपना बोरिया बिस्तर लेकर के, अपनी अटैची बिस्तर लेके बिना बताए ऑटो को पता बताए कि वहां चलो, वहां ठहरना है। तो ये था, एक बार की बात है, मैं उनके घर चलते वक्त, क्या होता है बहुत से लोग कुछ किताबें दे देते हैं, कोई बड़ा सा मोमेंटो दे देता है, कोई पुरस्कार सामग्री कुछ बहुत सारी हो जाती है। तो मैंने उनके घर में ये कहा कि यार कोई बड़ा सा झोला हो तो दे दो, उसमें ये सामान भर के ले जाएं, सूटकेस में जगह नहीं। तो नीरू जी ने सुन लिया, नीरू जी राजेश की पत्नी, उनका, नीरू जी क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, और झोला एक बड़ा चाहिए। तो वे एक बहुत सुंदर नया सा छोटा सूटकेस लेके आए, बोले इसमें ले जाइए रखकर। अरे मैंने कहा लौट के भोपाल जाने कब आना होगा, तो मुझे झोला दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप ही के पास तो रहेगा ना, आप यूज करिए इसे, और जब कभी आएंगे तो ले आइएगा अपने साथ। तो ये हम लोगों के बीच में, मेरे और राजेश, या मेरे भगवत रावत, या सोमदत्त, या ज्ञान रंजन, कभी ये बात नहीं रही कि वो आए लखनऊ तो हमारे घर न ठहरे, या ठहर जाए कहीं और भी तो वहां से ऊब कर, बोर होकर यहाँ चले आए, यार वहां वहां अकेले पड़े हुए हैं, यही आए, यही रहेंगे। ये संबंध रहे हमारे। बहरहाल अब कविताओं के बारे में बात करें, राजेश, राजेश हमारे समय के एक बड़े उदाहरण हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि तो बहुत दिनों से ये भ्रम फैल चुका था कि हिंदी कविता मंच की चुनौती नहीं झेल सकती, यानी हिंदी की जो समकालीन गंभीर कविता है वो मंच पर फेल है, और ये जो गाने वाले हैं, जो जिनके गले बहुत अच्छे हैं, या जो अपना गजलें सुनाते हैं, या जो बड़ी अचानक वीर गाथा काल के कवि आ जाते हैं, तो वो झंडे फाड़ देते हैं कहीं चीन के, पाकिस्तान के, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो गला फाड़ फाड़, उनकी कविताएं जनता बड़े शौक से सुनती है, या कुछ चुटकुले बाज आ जाते हैं, तो हिंदी कविता कौन सुने वहां। लेकिन राजेश ऐसे कवि हैं जो गंभीर अपनी कविताओं से इन सब को फेल कर देते, वो चाहे जितने बड़े गजल गाने वाले हो, कितने तरन्नुम से गा रहे हैं, और कितने चुटकुले, राजेश से बेहतर चुटकुले ही कोई सुना, राजेश तो खुद जो है। और राजेश के चुटकुले ऐसे बहुत सतही नहीं होते, राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय स्तर के चुटकुले वो सुनाना शुरू कर देते हैं तो बाकी चुटकुले फेल हो जाते हैं, लेकिन उनकी कविताएं अपने आप में। इसका कारण है कि कविताओं की एक जरूरी जरूरत होती है कि वो संप्रेषित हों और लोगों के दिलों को छुएं, क्योंकि कविता एक कला है, और वो कला सिर्फ कथ्य पर आधारित नहीं होती। हमारे यहाँ आलोचना, चलिए आलोचना पर बाद में आएंगे, ये देखें कि राजेश को हम अपनी अपनी हिंदी की काव्य परंपरा में कैसे रखकर देख सकते हैं, यानी तुलसी की परंपरा है,
कबीर की परंपरा है, भारतेंदु की परंपरा है, क्या राजेश अटते हैं इसमें अपनी राजनीतिक कविताओं पे? हाँ, क्योंकि कविता आज तुलसी की कविता 400 बरस बाद भी कविता है, कबीर की कविता आज भी कविता है, तो वो उन काव्य तत्वों के कारण है। कविता की जो कला है, उस कला के कारण आज भी तुलसी हो या कबीर हो या और कोई हो, भारतेंदु हो, निराला हो, वो उन्हीं काव्य तत्वों के कारण हमारे बीच में स्वीकृत हैं, और उन्हीं तत्वों के कारण उन तत्वों में थोड़ा हेरा फेरी होती रहती है। लेकिन जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी बदलती नहीं, जैसे कविता का सूक्ष्म होना, थोड़े से में ज्यादा कहना, कविता में व्यंजना होना। अब क्या होता है, कविता की, भारतेंदु ने कविता लिखी, आवहु सब मिल रोवहु भाई, भारत दुर्दशा देख न जाई। तो भारत दुर्दशा की कविता तो राजेश भी लिख रहे हैं, लेकिन भारत दुर्दशा की कविता लिखते हुए तो रोवहु भाई नहीं कह रहे, बल्कि प्रतिरोध की कविता लिख रहे हैं। तो ये कोई विरोध नहीं है। भारतेंदु भी चाह ये रहे थे कि भारत की दुर्दशा को देख करके, सुन करके, और उसकी प्रतिक्रिया हमारे मन में पैदा हो कि ये दुखदायी स्थितियां, इनका प्रतिरोध हम करें। और राजेश ये काम सीधे करते हैं कि प्रतिरोध के कवि के रूप में उभर करके आते हैं। मैं सुन रहा था, कल या परसों की बात है, परसों की बात है शायद, तो अनिल त्रिपाठी एक बात कह रहे थे। अनिल त्रिपाठी ने कही बहुत अच्छी बातें कही। एक बात तो उन्होंने ये कही कि निकोनार पारा ने नेरुदा के बारे में कहते हुए ये टिप्पणी की कि कैसे नेरुदा को खारिज किया जाए, ये नेरुदा को खारिज कैसे किया जाए, उपेक्षा करके खारिज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नेरुदा जो थे वो आलोचकों के बल पर टिके हुए नहीं थे, उनकी कविता सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते, और जब लोग कविता जन जन के बीच पहुंच जाती है तो फिर उसे कोई खारिज या स्थापित कर नहीं सकता। आलोचना, आलोचक बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो रचना के बीच में परंपरा से, उसके दर्शन से, उसके मनोविज्ञान से बहुत सारी चीजें अपने अध्ययन और ज्ञान के बल पर खोज कर निकालता है, लेकिन अगर उसकी व्याप्ति जनता के बीच नहीं है तो फिर वो कभी निरी आलोचना के बल पर खड़ा नहीं हो सकता। उसको जनता का आधार चाहिए ही चाहिए, और जिसका आधार जनता में है। हालांकि इस बात से ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो अपने गलेबाजी के बल पर या चीखने चिंघाड़ने के बल पर जनता के, क्योंकि एक स्तर होता है, और जैसा मैंने कहा कि चाहे जो स्तर हो, जनता के जब गंभीर लेकिन संवेदनीय कविता उनके सामने आती है, विचारपूर्ण कविता सामने आती है, संवेदित करने वाली कविता सामने आती है, तो वो उसे पसंद करते हैं उन कविताओं से ज्यादा जिनमें गाना बजाना होता है। तो राजेश, अब राजेश अगर लिखेंगे तो आवहु सब मिल रोबहु भाई नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे आवहु सब मिल जूझहु भाई। वो रोबही की जगह जूझहु कर देंगे कि जूझहु चल के मेरे साथ चलो, मैं चल रहा हूं। तो वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं और शर्मिंदा हूं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे महसूस करना और इसे अपने अपने
जिसको कहना चाहिए कि विश्वसनीयता अपने स्वर में ला करके इस बात को कहना, ये साहस का काम है। इस समय बहुत सहज और आसान समय नहीं है कि शब्दों में हम कुछ भी कह करके बच के निकल जाएं। तो ये राजेश लिखते हैं कविता, और ये अपने अपने समय के बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। हाँ, उनकी कविता में गाना बजाना नहीं, लेकिन संगीत जरूर है। संगीत तो है, और उसकी चर्चा हम करेंगे। तुलसी की बात हमने की, तो तुलसी, ये बात भी अनिल त्रिपाठी ने कही थी, मुझे बीच बीच में याद इसलिए आ रहा है कि वो महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे, जिसको मैं आधा सुन पाया, आधा डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं सुन पाया। तो ये बात राजेश को, ये कथन, ये रेफरेंस संदर्भ अनिल त्रिपाठी का है कि राजेश को निरा राजनीतिक कवि कहकर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि हमारा आज का समय में ऐसी कौन सी चीज है जिसे राजनीति ने अपने कब्जे में लेकर उसे बर्बाद, उसको नष्ट करना नहीं किया है। कौन सी चीज है? हवा है, पानी है, धरती है, प्रकृति है, पर्यावरण है, हमारे शब्द हैं, शब्दों के अर्थ हैं, झूठे बना दिए। लगातार इतना झूठ बोला जा रहा है कि हमारे सबसे सुंदर शब्दों को निरर्थक बना दिया है। प्रेम शब्द हम कहें तो पता लगेगा कि बजरंग दल के लोग आ जाएंगे, लव जिहाद है साहब, आप कौन जाते हैं, कौन धर्म के हैं, आप भाई बहन, दो भाई बहन, एक युवक एक युवती, साथ साथ टहलने नहीं जा सकते, पार्क में नहीं बैठ सकते। कौन सी ऐसी चीज बची है हमारे समय की? भोजन है, यात्राएं हैं, जिसको कि भ्रष्ट नहीं किया हमारे समय की राजनीति ने। तो निरा राजनीतिक कवि राजनीति के बिना कविता संभव ही नहीं है, पहली बात। लेकिन अगर यूं देखें कि राजेश क्या क्या तुलसी तुलसी का सुंदर कांड है क्या, तो सुंदर कांड जैसी चीज आसपास हो सकता है ना मिले। लंका कांड का संस्पर्श तो मिल सकता है, क्योंकि जहां प्रतिरोध है वहां कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, लेकिन बाल कांड उनके यहां जरूर है। उनकी उन्होंने भोपाल में ही एक संस्था है, एक तारा, बच्चों के लिए वो पत्रिका निकालते हैं, साइकिल, और साइकिल और भी छोटे बच्चों के लिए निकालते हैं, प्लूटो नाम की। सुशील शुक्ला है तो वो इस पत्रिका के संपादक हैं, और राजेश ने उनके लिए लिखा है। मुझे याद है भोपाल में एक कार्यक्रम साइकिल पत्रिका का ही हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्होंने, साहित्यकारों को बुलाया था जो साइकिल पत्रिका में बच्चों के लिए लिखते थे। उसमें राजेश भी थे, मैं था, अरुण कमल थे, सारा राय थी, और बहुत सारे लोग थे जो एक साथ एक मंच पर एकत्रित थे। तो बच्चों के लिए जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं, वो भी किसी, मैं कुछ कविताएं आपको बताता हूं। मीठू उनकी बेटी का नाम है। मीठू रानी बड़ी सयानी, ये देखिए ये फोटो है, जो लोग इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं तो देखें, इसमें अरुण कमल हैं, राजेश हैं, राजेश है, सारा सारा राय है, मैं हूं असगर मैं हूं वजाहत, असगर वजाहत, और शायद प्रियंबर है, और प्रियंबर शायद प्रियंबर कथाकार हैं। कथाकार है, जी, हम सब लोग एक साथ, सब लोग एक साथ हैं,
और हम सब और लोग हम सब लोग बच्चों के बच्चों की पत्रिका में लिखने वाले लोग हैं, जिसमें राजेश भी हैं। तुम्हें राजेश की कविता, एक दो कविताएं आपको सुनाता हूं। मीठू रानी बड़ी सयानी, पीती दूध बताती पानी। मीठू रानी बड़ी सयानी, पीती दूध बताती पानी। चुप 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 चुप, गुपचुप गुपचुप, करती रहती है शैतानी। मीठू रानी बड़ी सयानी, आए बादल आए बादल, पानी जेबों में भर लाए। ये दूसरी कविता है। आए बादल आए बादल, पानी जेबों में भर लाए। इतने सारे ताल तलैया कहाँ से लेकर आए। जेबों में भी नहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए। जेब उलट दी उसने झटपट, पानी बरसा टप 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 टप। तो ये जो जेब उलट देंगे, अब इसकी व्यंजना भी आप देखिए। जेब उलटने पर हम अपनी जेब उलट दें तो उसमें सिक्के गिरेंगे, रुपए गिरेंगे। और कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम पानी पीने को तरस जाते हैं तो देखते हैं कि बिसलेरी खरीदने का पैसा है कि नहीं जेब में। और अगर जेब में बिसलेरी खरीदने के 20 रुपए हैं तो इसका मतलब पानी जेब में है, वरना जेब में पानी पानी नहीं। एक अपनी और कविता में राजेश कहते हैं, बादल क्या ऊंट है नीले रेगिस्तान का। नीला रेगिस्तान माने आसमान, क्या वहां कोई ऊंट है जिसके जिसके पेट में पानी हिलता है। बादल क्या हाथी है जो पानी सोंड में भर के फैला देता है। बादल क्या है आखिर, उसके आते ही मेरा मन खुश क्यों हो जाता है। क्या मेरे भीतर के पानी का उससे कुछ नाता है। बादल के आते ही मेरा मन खुश क्यों हो जाता है। क्या मेरे भीतर के पानी का उससे कुछ नाता है। हमारे शरीर में 3/4 पानी, ये 3/4 पानी और बादल के पानी में सीधा 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 रिश्ता है। ऐसी तमाम कविताएं हैं, इसमें बहुत सुंदर बिंब हैं। बादल क्या तितली है जो धरती पर खिलाता है पानी के फूल। पानी के फूल, पानी की बूंद पड़ती है। एक बार अज्ञेय ने लिखा था, पानी की बूंद पड़ती है मिट्टी पर, धूल में तो हर श्रृंगार का फूल बन जाता है। तो ये राजेश कहते हैं, बादल क्या तितली है जो धरती पर खिलाता है पानी के फूल। पानी के फूल खिलाती हैं, जब आकाश से पानी की बूंदें टपकती हैं। तो ये राजेश जो हैं, ये अलग, उन्होंने क्या नहीं लिखा है। दरअसल ये है कि बच्चों की कविताएं लिखी हों या नाटक लिखे हों या हम लोगों के लिए कविताएं लिखे हों या संपादन किया हो या आलोचना लिखी हो, तो साहित्य की ऐसी कोई विधा मेरे ख्याल में तो नहीं है राजेश, जिसे राजेश ने छोड़ा हो। और राजेश लगातार ये काम करते हैं। कविताओं में अब मेरी इच्छा है कि कविताओं के बारे में एक बात मैं हमेशा कहता हूं, और वो ये
कविता के बारे में कच्छ क्या है, ये समझ लेना बहुत आसान है। कच्छ क्या है माने किस विषय पर कविता लिखी गई है, समझना तो बहुत आसान है। और क्या कहा गया है, लेकिन उसके अर्थ, कविता के अर्थों को करना थोड़ा सा मुश्किल। और वो मुश्किल इसलिए होती है कि कविता में, अर्थों में, अर्थ के अनेक स्तर होते हैं, व्यंजनाएं होती हैं, और उन व्यंजनाओं तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल निश्चित रूप से होता है। लेकिन सबसे कठिन होता है कि कविता को कविता कैसे बनाया, कविता को क्या कहा, से ज्यादा मुश्किल ये बताना होता है कैसे कहा। लेकिन आमतौर पर हमारे व्याख्याकार इसी जगह पर टिक जाते हैं कि कविता का कथ्य क्या है, यानी कविता में विषय और उसके विचार क्या हैं। तो फिर विचार के आधार पर कविता की एक लंबी चौड़ी व्याख्या बहुत आसानी से कर दी जाती है। लेकिन वो कविता कैसे बनी, कविता बनी कि नहीं बनी, दुनिया की जितनी अच्छी सुंदर कविताएं हैं वो अपनी संरचना के कारण, और संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है जो बिना संरचना के संभव हो सके। हमारी संरचना में हमारी दो टांगे हैं, जानवर की चार टांगे हैं, चार टांगों में से एक टांग उसकी घायल कर दीजिए तो फिर देखिए लंगड़ा 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 लंगड़ाने लगेगा। हमारी एक एक टांग को घायल कर दीजिए फिर देखिए हमारा क्या हाल होता है। एक संरचना के स्तर पर वो चाहे वृक्ष हो, वनस्पतियां हो, फूल हो, फूल की संरचना बिगाड़ देंगे, अगर एक पंखुड़ी भी नोच लेंगे तो फूल की संरचना बिगड़ जाएगी, संतुलित असंतुलित हो जाएगी। तो ये संरचना क्या होती है, कैसे बनती है, इसके बारे में मैं जरूर कुछ बात करना चाहूंगा, लेकिन उनके किस तरह से वो अपनी बात कहते हैं। एक बार ऐसा हुआ यहाँ संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ में उन्होंने कहा कि हम वर्षा का उत्सव मनाना चाहते हैं, कार्यक्रम का नाम रख दिया वर्षा मंगली, ऐसे कोई नाम था। वह नरेश जी हिंदी की जो समकालीन कविताएं हैं उनमें बारिश की कविताएं हमें निकाल के दे दीजिए। तो मेरे पास बहुत से संग्रह थे समकालीन कवियों के, मैं देख के आश्चर्य में पड़ गया कि बारिश पर कविताएं नहीं, न युवा कवियों की मिल रही थी, न हमारे साथ के या वरिष्ठ कवियों की कविताएं मिल रही थी, बारिश पर कविताएं नहीं। मुझे बहुत हैरत हुई ये देख करके कि जिस देश की 70% आबादी और 70% इकोनॉमी कृषि पर आधारित है, वहां बारिश पर कविता के चोटे पड़ रहे हैं, ये क्या बात। बाद में मैंने देखा राजेश की कविता है, खैर मैंने तो फिर कविता दी, अपनी कविता दी, और वही कविता थी जिसके पास चली गई मेरी जमीन उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। लेकिन राजेश की एक कविता थी, राजेश की कविता है, और वो क्या कह रही है कि बारिश में एक कोई चित्र बनाया था, एक पेंटिंग बनाई थी राजेश ने, और उसमें कुछ लोग भीग रहे थे, भीगते हुए वो बचने की कोई जगह तलाश रहे थे, कोई पेड़ या किसी घर का बरामदा मिल जाए उन्हें। लेकिन गगनचुंबी कई मंजिला इमारतें थीं उनके सामने, उसमें बरामदे नहीं थे जहां वो भीगने से बच जाते। तो वो भीगे हुए लोग एक दिन राजेश के पास आ जाते हैं कि हम कब से भीग रहे थे, भीगते ही रहे, और
तुमने ऐसे मकान बनाए कि जिसमें बरामदे नहीं है, जिसमें ऐसी जगह नहीं जहां खड़े होकर के बारिश से बचा जा सके। ये हमारे जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, इसने हमें इस तरह के डिजाइन्स दे दिए हैं कि हम सीधी मीनार खड़ी कर दें, तो कोई साहिबान ना हो उसमें। ऐसा पुराने मकानों में कभी नहीं होता था कि रास्ता सड़क चलते भीगते हुए आदमी सबसे नजदीक के बगल के मकान के नीचे जाके किसी साए में, चाहे भले ही टीन पड़ी हो, कुछ ना कुछ होता था। तो ये कविता राजेश के यहाँ, और पेंट मैंने तो उसे पेंटिंग के साथ देखा था, तिरछी बूंदे पड़ रही हैं, कुछ लोग भागते हुए भीग रहे हैं। तो वो अपनी कविता जब लिखते हैं, और फैंटेसी में भी लिखते हैं, तब भी उनकी टिप्पणी कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज को हमारे समय की बता रही होती है जो कि मनुष्य विरोधी हो गई किसी न किसी वजह से। एक दो हमारे वक्ता ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ ऐसी बातें कही आप ही के कार्यक्रम में, कुछ चीजों के बारे में शायद सही होगा कि आगे राजेश टिक कर नहीं करते, थोड़ी देर करते हैं, कुछ काम करते हैं भी छोड़ देते, लेकिन कविता के बारे में ऐसा नहीं है। वो लगातार टिक कर काम कर रहे हैं और बहुत अपने समय की कुछ सिग्नेचर पोइंट्स लिख रहे हैं जिनसे हिंदी कविता को रेखांकित किया जा सकता है कि हिंदी की कविताएं हैं और राजेश की कविताएं। तो उनकी पंक्ति की, उनकी उनकी कविताओं की संरचना के बारे में जब हम बात करें, तो हमें उनकी कुछ उन कविताओं के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन सी कविताएं हैं जो राजेश की मशहूर हैं। तो पहली कविता जो याद आती है वो है काम पर जा रहे हैं बच्चे। फिर एक और कविता याद आती है, बर्बर सिर्फ बर्बर थे। एक और कविता है, जब तक मैं एक अपील लिखता हूं। एक और कविता है, मेरठ 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 मेरठ, हर बार वो खिड़की से झांक कर देखता है कि स्टेशन मेरठ, मेरठ के दंगों को लेकर के लिखी गई कविता है, और हर स्टेशन मेरठ हो गया। और कभी कहता है मेरठ से बाहर कब निकलेगी ये ट्रेन, ये रेलगाड़ी मेरठ से बाहर निकल क्यों नहीं रही। मेरठ अचानक एक प्रतीक बन जाता है पूरे देश का, इसमें हर शहर में आग लगी है, हर शहर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, और ट्रेन मेरठ से बाहर आगे नहीं जा पा रहे। लेकिन जो कविताएं मैंने जो कविताएं मैंने इतनी सारी कविताएं या मारे जाएंगे, इन कविताओं में कोई खास चीज है, कोई सनोवर नासी जी हैं जो विद्वानों को प्रणाम कर रहे हैं, तो आप देखिए इन सारी कविताओं में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, काम पर जा रहे हैं बच्चे, लिखा जाना नहीं लिखा जाना चाहिए इसे एक विवरण की तरह, लिखा जाना चाहिए इसे एक प्रश्न की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्या फिर वो सवाल करना शुरू करते हैं, क्या उनकी गेंदें सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, उनके खेल खिलौने खेल के मैदान और मदरसे नष्ट हो गए हैं। इसी में बाद में कहते हैं, अगर ऐसा है कितना भयानक होता, अगर ऐसा होता कि सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन कहते हैं इससे भी भयानक ये है कि
कि सारी चीजें हैं अपनी जगह हसब मामूल, फिर भी काम पर जा रहे हैं बच्चे, दुनिया की हजार हजार सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप इसमें एक बात देखिए, सब कुछ नष्ट हो जाना कितना भयानक होता। खेल के मैदान हैं, खेल खिलौने हैं, रंगीन किताबें हैं, स्कूल की इमारतें हैं, लेकिन कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये उससे भी भयानक है कि कोई चीज नष्ट नहीं हुई, लेकिन बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इस कविता में देखिए, काम पर जा रहे हैं बच्चे, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, फिर भी काम पर जा रहे हैं बच्चे, दुनिया की हजारों हजार सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये काम पर जा रहे हैं बच्चे कितनी बार रिपीट हो रही है इस कविता में। ये एक बीज तत्व की तरह है जिसमें एक पंक्ति लौट लौट कर बार बार आ रही है। इस कविता में कुछ और भी है जिसके बारे में समय रहता है तो फिर और बात करेंगे। कोई कविता ऐसे ही लोगों की जुबान पर, लोगों के दिमाग में या लोगों के दिल में नहीं उतर जाती, उसके पीछे काव्य कला होती है। कविता एक कला है, सिर्फ कुछ कह देना नहीं, कैसे कहना है इसका सलीका आना चाहिए। अब आप दूसरी कविता देखिए, बर्बर सिर्फ बर्बर थे। ये कविता कितनी छोटी कविता है, विनय जी बिथोवन को क्यों कर दी, कितनी छोटी कविता है। इस कविता में आप देखेंगे, बर्बर सिर्फ बर्बर थे, उनके पास भाषा का कोई छल नहीं था। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, दुख और पश्चाताप जैसे शब्द भी नहीं थे उनके पास। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, धर्म की ध्वजाएं उनके हाथों में, धर्म की ध्वजाएं नहीं थी। मैं एग्जैक्टली कविता नहीं पढ़ रहा हूँ, चाहूं तो कविता पढ़ सकता हूँ, मेरे पास है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उसके अंदर जो जो पंक्तियां जो बात कह रही हैं कि धर्म की ध्वजाएं नहीं थी उनके हाथों में। उन किनके हाथों में? बर्बरों के हाथ, बर्बर सिर्फ बर्बर थे। तो इस कविता में सिर्फ 5 पंक्तियां हैं, मैंने गिनी हुई है। आप कहें तो पूरी कविता आपको दोबारा सुना दूं। ये मैंने 25 साल पहले राजेश जोशी पर एक लेख लिखा था, समय के पार समय, ये कथा देश में छपा था। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, अपनी बर्बरता के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, उनके पास किसी धर्म की कोई ध्वजा नहीं थी। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, उनके पास भाषा का कोई छल नहीं था। नहीं थे उनके पास दुख या पश्चाताप जैसे शब्द। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, हम उन्हें कई युग पीछे छोड़ आए। इस कविता में बर्बर सिर्फ बर्बर थे कितनी बार आया है? बर्बर सिर्फ बर्बर थे एक बार, बर्बर सिर्फ 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसमें 4 बार बर्बर शब्द आया। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, बार बार रिपीट हो रहा है, और हर पंक्ति क्या कह रही है? बर्बर सिर्फ बर्बर थे, उनके पास अपनी बर्बरता के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था। निरे जंगली, निरे असभ्य, निरे बर्बर लोग थे, उनके
उनके पास किसी धर्म की कोई ध्वजा नहीं थी। कविता कह रही है हमारे पास, और अंतिम पंक्ति है हम उन्हें कई युग पीछे छोड़ आए हैं। कौन से बर्बरों को, जिनके पास अपनी बर्बरता का तर्क नहीं था, हमारे पास अपनी बर्बरता का तर्क है। उनके पास किसी धर्म की ध्वजा नहीं थी, हमारे पास अपने धर्म की ध्वजा है। हम वो बर्बर हैं। ओ घटिया बर्बर थे भाई, क्या बर्बर थे वो, जिनके पास अपनी बर्बरता का तर्क नहीं, वो बर्बर हुए। बर्बर हम हैं, जिनके पास बर्बरता का तर्क है। वो क्या बर्बर थे, जिनके पास धर्म की ध्वजा नहीं थी, हमारे पास धर्म की ध्वजा है। उनके पास भाषा का कोई छल नहीं था, दुख या पश्चाताप जैसे शब्द नहीं थे। मैं याद दिला दूं कि बाबरी मस्जिद टूटने के बाद, या तमाम दंगों के हत्याओं के बाद, पार्लियामेंट में, भारत की संसद में इन शब्दों का प्रयोग किया गया था कि हमें बड़ा दुख है, बड़ा पश्चाताप है कि ये कांड हुआ। दुख और पश्चाताप जैसे शब्द हमें उन बर्बरों के पास नहीं थे। ये बर्बर तो निरे बर्बर थे, ये पत्थर युग के बर्बर होंगे ना, पत्थर युग के बर्बर थे। उनके पास हथियार नहीं थे, हाथी युग में हथियार आए हैं। हम वो बर्बर हैं, हम वो बर्बर हैं जिनके पास भाषा आ चुकी है, तर्क आ चुके हैं, दुख और पश्चाताप जैसे शब्द आ चुके हैं। हम वो बर्बर हैं, हम उन्हें युगों पीछे छोड़ आए हैं, काहे में बर्बरता में। ये जो तीन चार लाइनें हैं कविता में, और चार लाइनें कविता की हैं, तो चार वाक्य बर्बर, सिर्फ बर्बर थे। अब कविता को अपनी सीमा से बाहर जाना होता है किसी बात को इस तरह रखने के लिए कि उस बात की जो तीक्ष्णता है वो आपके दिल को लगे जाकर। संगीत में ये काम, अब संगीत में तो संगीत है, संरचना है, इसकी भी एक संरचना है इस कविता की, इसमें बर्बर सिर्फ बर्बर थे बार बार रिपीट होती है। बीथोवन की फिफ्थ सिंफनी है, बहुत मशहूर है। बीथोवन बहुत बड़े संगीतकार थे और उनकी सिंफनी फिफ्थ सिंफनी बहुत मशहूर है। इसमें तीन या चार स्वर हैं कुल, लेकिन तीन चार स्वरों का उपयोग उन्होंने किस तरह किया है, सुनिए जरा सा, मैं सुनवाता हूँ आप। सिंफनी जो है इसमें तीन चार स्वर हैं, टड़ा रन, टड़ा रन, टड़ा रन, टड़ा रन, दूर चली जा रही आवाज और अचानक एकदम से सामने आ जाती। ये जो स्वरों को सिंफनी में, स्वरों को ऐसा होना चाहिए, स्वरों का कि लाउडनेस का लेवल वो होना चाहिए कि जो सबको सुनाई दे जाए।
लेकिन ये बिथोवन क्या कर रहे हैं, उसको लगता है धीमे करते 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 लगता है बहुत दूर चली गई, चली गई, गायब हो गई, खत्म हो गई, मैंने पूरी नहीं सुनवाई आपको, सुनते सुनते आपको लगेगा सिंफनी खत्म हो गई, दूर जाते 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 कहीं, और फिर अचानक एकदम से एक नाटकीय ढंग से उपस्थित हो जाती है आपकी। इस सिंफनी के दो तीन चार स्वरों के बीच में एक और सपोर्टिंग स्वर चल रहे हैं आघात की तरह, जैसे इसमें बर्बर सिर्फ बर्बर थे, नहीं थे उनके हाथों में धर्म की ध्वजा, उनके उनके पास अपनी बर्बरता का कोई तर्क नहीं था, बर्बर सिर्फ बर्बर। ये जो बार बार एक पंक्ति आ रही है, ये दो पंक्तियों का, दो पंक्तियों की जुगलबंदी है, यहाँ दो तरह की धुनों की जुगलबंदी इस बिथोवन की उसमें है, और ये दूर चली जाती है, हमें लगता है कि गई, गायब हो गई। इसके संदर्भ में बताऊं आपको, इसका संदर्भ यह है कि नेपोलियन के स्वागत में बीथोवन को एक संगीत रचना बनानी, और जो युद्ध कौशल था नेपोलियन का वो ये था कि वो अपने शत्रु को धोखे में रखता था, लगता था कि उसने लड़ाई बंद कर दी, वो पलायन कर गया, दूर चला गया, और वहां बैठ करके संधि की बातें कर रहा है, लेकिन वो अचानक अपनी सेना के साथ प्रकट होता था और आक्रमण कर देता था। इस संरचना के ढांचे में कहीं वही बात है, और जब वास्तव में इस सिम्फनी खत्म हो जाती है पूरी तरह से, तो हमारे मित्र विनय साहेब हैं, उन्होंने कहा कि खत्म होने के बाद भी ये डर या ये भावना बनी रहती है कि वो अचानक फिर ना आ जाए, ये उसकी संरचना। बर्बर सिर्फ बर्बर थे कविता के साथ मुझे सिंफनी की याद आती है, वो इसलिए आती है कि उसमें बहुत कम स्वरों के साथ में सिर्फ दूरी का और पास का यानी वॉल्यूम के कंट्रोल से बिना स्वरों को परिवर्तित किए हुए एक रहस्य पैदा किया, और यहाँ राजेश जोशी ने जैसे एक रहस्य को उद्घाटन किया है अंतिम पंक्ति में, हम ऐसे बर्बरों को युगों पीछे छोड़ आए, हर पंक्ति के साथ में एक युग बदल जाता है, कौन से बर्बर थे, पत्थर युग के बर्बर थे, कुछ धातु युग के बर्बर थे, हम उन्हें भी पीछे छोड़ आए हैं, हम वो बर्बर हैं जिनके पास तर्क है, भाषा है, धर्म की ध्वजाएं हैं, हम वो बर्बर, हम क्या उन घटिया बर्बरों की बात करें, उन्हें हम बहुत पीछे छोड़ा है, हर पंक्ति के बाद जैसे शताब्दियां हम पार करके आ जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कविता है, और इसकी संरचना में यही पंक्ति का दोहराव, जो बर्बर से बर्बर थे, आप किसी साधारण कवि के यहाँ इस तरह के प्रयोग नहीं पाए। हाँ, बड़े कवियों के यहाँ तो पाएंगे, ये जो रिपीटिशन है ये सांगीतिक है, ये संगीति तत्व है, ये आपको और भी कवियों के साथ आप देखेंगे तो विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ मिलेगा आपको, और कवियों के यहाँ भी मिलेगा। तो ये जो संरचना उनके यहाँ एक एक मैं तो सॉरी है, ये लगातार मैंने जितनी मारे जाएंगे मैं, ये कितनी बार रिपीट होती है पंक्ति, मारे जाएंगे, बार बार आती है, इनकी कमीज होगी उनकी कमीज से साफ, फिर मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो जो धर्म की ध्वजा लेकर जुलूस में नहीं जाएंगे मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, बार बार रिपीट। और ये मारे जाएंगे कविता कब लिखी गई थी, प्रसंग वश बता दूं मैं, ये हमें लगता है आज की कविता, आज की कविता नहीं है, ये कांग्रेस के जमाने में 25-30 साल पहले कभी लिखी गई थी कविता, लेकिन कविता लंबे सफर पार करके नए अर्थों को देना शुरू कर देती है, ये कविता का काम होता है। मैं तारकोस्की की फिल्मों की जो प्रक्रिया है और जो रिदम है और जो फ्रेम के भीतर एक समय होता है,
प्रेम के बाहर दूसरा समय होता है, लेकिन एक तीसरा समय है, ये किसने किया था, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी नाम की फिल्म में वो क्या करता है कि याद करता है अपने बचपन की, जब वो खेलने खेलते हुए कुछ देर बाद वो वहां से चला आता है। अब चला आने के बाद पीछे क्या हुआ उसे नहीं पता, लेकिन बुढ़ापे में क्या करता है, वो शायद अपने सपने में, स्वप्न दृश्य है जिसमें वो अपने बचपन में चला जाता है, और बचपन में जाके पेड़ के पीछे छिप कर देखता है, उस जगह पहुंच जाता है समय में पीछे जहां बच्चे खेल रहे हैं, वो भी खेल रहा था, और वो चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो वो अपने उस समय में पहुंचा हुआ है जो जिसमें वो था ही नहीं, वो तो घर चला गया था, लेकिन वो वहां से उस समय को भी देख रहा है जिसमें वो उपस्थित नहीं था। ये फैंटेसी है, ये फैंटेसी है। और जिसका आपने देखा होगा कि ये कौन है हमारे निर्देशक, गुलजार, गुलजार, गुलजार की कवि, गुलजार ने बहुत सी अच्छी चीजों का उपयोग गुलजार ने किया बहुत है, सी अच्छी चीजों का उपयोग किया है। जो उन्हें लगता है कि ये बहुत सुंदर चीजें हैं, प्रयोगशील हैं, नई हैं, उनको वो उपयोग करते हैं, कोई बुरी बुरा काम नहीं करते, लेकिन वो करते हैं। तो वो राजेश के यहाँ इस तरह के दृश्य, इस तरह की चीजें, हर स्टेशन पर पूछता है बूढ़ा कौन सा स्टेशन है, और हर स्टेशन पर बाहर झांकता है लड़का और पढ़ता है, कहता है मेरठ, मेरठ से बाहर ही नहीं निकल पा रही कविता, मेरठ से रेलगाड़ी बाहर नहीं निकल पा रही, पूरे देश में दंगा फैल गया है क्योंकि मेरठ के बाद मेरठ आ रहा है। ये काव्य कौशल, ये लिरिक तत्व एक कविता में थोड़ी है, उनकी जितनी प्रसिद्ध कविताएं आप लेंगे, मैं उनकी संरचना में आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो रिदम को फॉलो करते हैं। और अगर आपको याद हो कि मैंने जो उनकी बच्चों की कविताएं सुनाई थी, लोगों को लगता है वो रिदम में कभी नहीं लिखते, या रिदम उनको आती ही नहीं होगी, ऐसा नहीं, बच्चों की कविता, मीठू रानी मीठू रानी बड़ी से आनी, पीती दूध बताती पानी, तो करती रहती है शैतानी, बाकायदा रिदम के साथ वो कविताएं उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं, और लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लिख सकते। तो ये काम राजेश अपने यहाँ करते हैं, हर अच्छा कवि करता है, लेकिन राजेश खास तौर से अपनी इन तमाम सारी कविताएं जो उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, लेकिन इसमें एक और बात है, जब वो शुरू की कविता याद करिए, काम पर जा रहे हैं बच्चे, जब वो कहते हैं क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, तो हमारे भीतर से जवाब निकलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं। फिर वो कहते हैं क्या दीमकों ने खा ली सारी रंग बिरंगी किताबें, हमारे भीतर से निकलता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो कहते हैं क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, हमारे मन से निकलता है नहीं ऐसा तो नहीं है। ये लगातार हमारे भीतर से नहीं निकल रही, और वो एक क्लाइमेक्स पे ले जाते हैं, तब बचा ही क्या है इस दुनिया, लीजिए खत्म हो गया, अगर ऐसा है तो ये सब कुछ का बचा होना ही वो कहते हैं भयानक है। क्यों? क्योंकि ये कुछ बच्चों के लिए है, क्योंकि ये सब कुछ रहने के बाद बावजूद रंग बिरंगी किताबें भी हैं, खेल के मैदान हैं, खिलौने हैं, स्कूल हैं, फिर भी काम पर जा रहे हैं बच्चे। ये विजय कुमार ने जब राजेश पर एक जगह कहीं लिखा था कि भव्य नाटकीयता और रेटरिक, और उन्होंने इसको जोड़ा था कि राजेश का, अरे विजय कुमार की बात कह रहा हूँ, कि राजेश का थिएटर से जुड़ाव होने के कारण ये नाटकीयता, ये गीत तत्व
वो ले आते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कविता की जो मूल प्रतिज्ञा है सूक्ष्मता और संवेदनीयता, उससे नहीं देखते हो कहीं भी। एक अंतिम बात मैं कहूं, मुझे लगता है कि समय काफी काफी हो गया। यहां पर लखनऊ में जब इसकी नहीं, सरकार तो थी ही नहीं, गवर्नर थे, और गवर्नर थे मोतीलाल वोरा। तो मोतीलाल वोरा अपने व्याख्यानों में कविताओं का इस्तेमाल करते, तो मुझे लोगों ने बताया था कि वो मेरी कविता अच्छे बच्चे अपने व्याख्यान में उसका इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने किया। उस दिन मैं भातखंडे संगीत विद्यालय के परिसर में, उनका व्याख्यान था, एक नाटक भी था, और मेरी ही कविता पर नाटक था। उन्होंने वो कविता, लेकिन मेरी कविता सुनाने के पहले मोतीलाल वोरा ने काम पर जा रहे हैं बच्चे सुनाई, और मैं चकित था कि काम पर जा रहे हैं बच्चे और कागज नहीं पढ़ रहे थे, उनके हाथ में कागज नहीं था, मोतीलाल वोरा के हाथ में, उन्हें याद थी कविता, वो कविता सुना रहे। तो उसके बाद जब उन्होंने मेरी कविता अच्छे बच्चे सुनाई, तब भी उनके हाथ में कागज नहीं था। तो कविता के बड़े प्रेमी मोतीलाल वोरा थे, जो कभी मुख्यमंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे कांग्रेस के तरफ से, और राजेश की कविता मुखाग्र थी। तो ये राजेश की कविता का ये गुण है, जैसा अनिल त्रिपाठी उस दिन कह रहे थे कि नेरुदा को खारिज कैसे किया जा सकता है, राजेश जोशी को न सीमित किया जा सकता है न राजेश जोशी को खारिज किया जा सकता है, इसलिए कि उनकी व्याप्ति अपने समय की जनता में है। राजेश की कविता जनता तक पहुंचती है, उनकी स्मृति में दाखिल हो जाती है, ऐसा वो अपने कौशल की वजह, काव्य कौशल की वजह से करती है। तो ये काव्य कौशल साधने से आता है, और राजेश के पास वो है, भरपूर है। तो ये ऐसी ऐसी कितनी कविताएं दरअसल हमारे पास हैं जो अपराधियों के सिर चढ़कर बोलें, जो नेताओं के जरूरी व्याख्यानों का हिस्सा बन जाएं। राजेश की कविता रेटरिक का अर्थ बदल देती है, और वो भाषा को वस्तु में बदल देती है। हमने वस्तुओं से तो भाषा बनाई है ना, कुर्सी थी, पेड़ था, जमीन थी, पानी था, बादल थे, ये तो थे पहले से, हमने उनको ध्वनियों में बदल दिया। हमने कहा ये बादल है, तो बादल हो गया, किसी ने कहा क्लाउड, तो वो क्लाउड हो गया। हमने वस्तुओं को अमूर्त कर दिया, कैसा बादल, कहाँ का बादल, कैसा पेड़, हरा कि सूखा हुआ, घना कि पतला, छोटा कि बड़ा, फलदार फूलदार या नहीं। तो हमने पेड़ कहते ही एक भरे पूरे सघन पेड़ को अमूर्त कर दिया, ये अमूर्तन की प्रक्रिया, और फिर उसको मूर्त करने का काम ये तमाम अच्छी कविताओं में होता है। प्रसंगवश मैं बता दूं कि शिवसेना के संजय राउत, किसी ने मुझे भेज दिया, उसका पोस्टर था शायद, जब संजय राउत ने एक कविता कोट की, क्या कविता थी, चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं। ये शिवसेना के जो राजनेता हैं उन तक कविताएं पहुंच जाती, जैसे राजेश की कविता मोतीलाल वोरा के पास पहुंच गई,
और सिर्फ मोतीलाल वोरा के पास नहीं पहुंचे, ये तो मुझे लगता है कि आरएसएस के जो शीर्ष नेता होंगे, मारे जाएंगे, कविता उनके पास पहुंच चुकी होगी। और ये जिस लड़के ने इसका पोस्टर 25 साल पहले अपने लखनऊ हॉस्टल में लगाया था, उसे हॉस्टल छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो उस समय के दबंग विद्यार्थी थे उस हॉस्टल के, उस कॉलेज के जो उस हॉस्टल में रहते थे, उन्होंने पोस्टर को देखते ही समझ लिया कि हमारे बारे में ये पोस्टर, ये उनको पता लग गया कि ये कविता हमारे बारे में लिखी गई। और उस लड़के को जिसने पोस्टर अपने कमरे में अपनी दीवार पे लगाया था, उसे हॉस्टल छोड़ना पड़ा। तो राजेश की कविताओं में आप देखेंगे कि पूरा देश और पूरी दुनिया नहीं, भोपाल आता है, भोपाल आता है उनकी उनकी उनके यहाँ समय, उनके यहाँ बोलता है समय, समय के बारे में कविता है वो। मैं समय के बारे में एक पंक्ति बता दूं कि एक इमेज है जिसमें भेड़ों का एक भेड़ मिमिया रही, एक भेड़ के मिमियानी की आवाज। उसके बाद अचानक क्या होता है कि भेड़ों का एक पूरा रेवड़ मिमियाने लगता है। अब आप देखिए इस बिंब, कई बार हमें लगता है कि जो जजेस हैं वो भी मिमियाने लगे हैं, जजेस के जो फैसले आ रहे हैं वो मिमिया रहे हैं, कौन 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 मिमियाने लगा है, या तो लोग खामोश हो गए हैं। लेकिन सारे लोग खामोश नहीं हुए हैं, लेकिन राजेश उसे एक एक्सट्रीम पर ले जाकर कहते हैं कि भेड़ों का पूरा रेवड़ आ गया था जो मिमिया रहा था। अंत में वो कहते हैं कि उनके घड़ी की जो टिक टिक चल रही थी वो भी मिमियाती हुई जैसे चल रही। ये प्रकाश था है। तो राजेश जोशी यहाँ समय जो है, समय का जो बोध है, अपनी स्थानिकता जो है, जो भोपाल की है, वो किस तरह से आती है, समय पिछला समय और अगला समय। जब मैंने राजेश पर ये लेख लिखा था, कथा देश में छपा है, तो मैंने उसका शीर्षक दिया था समय के पार समय। समय के पार समय ही होता है और कुछ नहीं होता। तो टीएस एलियट की एक पंक्ति के साथ मैं इसको समाप्त करूंगा। टीएस एलियट कहते हैं, टाइम प्रेजेंट इज परहैप्स टाइम प्रेजेंट इन द पास्ट, टाइम प्रेजेंट इज टाइम प्रेजेंट इन द पास्ट विच इज प्रेजेंट इन द फ्यूचर। जो समकालीन वर्तमान समय है वो समय अतीत में था और वो भविष्य में मिलेगा हमें। ये जो घेरा बना रहे हैं, ये क्या बात, क्या कह रहे हैं? बात तो बहुत साधारण, बहुत बार कही गई है कि जो अतीत है, जो इतिहास है, अतीत में हमारा, उसी से हमारा समय भविष्य का निर्मित होता है। लेकिन वो जिस तरह से घुमा देते हैं, द टाइम प्रेजेंट इज परहैप्स द टाइम प्रेजेंट इन द पास्ट विच इज प्रेजेंट इन द फ्यूचर, ये प्रेजेंट 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 3 बार क्यों आ रहा है छोटी सी पंक्ति में? यही कौशल है कविता का। और इसी के कारण ये टीएस एलियट की फोर क्वार्टेट जो कविता है, मशहूर है, उसकी यही पंक्तियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। द टाइम प्रेजेंट इज द टाइम प्रेजेंट इन द पास्ट विच इज प्रेजेंट इन द फ्यूचर। और ये अगर आप कविता में नहीं करते, ये रिदम नहीं लाते, ये रिपीटिशन नहीं लाते, ये गीति तत्व नहीं लाते, ये सूक्ष्मता नहीं लाते, और संवेदना और यथार्थ के बारे में तो हम सब लिखते ही हैं कविता, तो ये अगर नहीं है ये हमारा पोता है जो वैसे भी हमको काम नहीं करने देता है। तो ये उधम मचा रहा है और मैं
नमस्कार करता हूँ सब लोगों को, और विधिवत और मैं नहीं विधिवत बोल मैं नहीं पाता ये बोल बात पाता सही ये कि बात सही कि क्योंकि क्योंकि मेरा कोई मेरा कोई प्रशिक्षण प्रशिक्षण आलोचना में है नहीं, आलोचना तो में है नहीं, तो मैं एक मैं पाठक एक की तरह से पाठक अपनी की तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं प्रतिक्रियाएं देता हूँ, देता हूँ। तो जो कमी और जो गैप रह गए हो उसके लिए मैं क्षमा मांगते हुए सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया नरेश जी। और इस अवसर पर कुछ एक चित्र भी हैं, उसे भी हम देखते चलें, कुछ एक चित्रों को भी देखते चलते हैं नरेश जी। एक खास चित्र जिसकी चर्चा आपने की कार्यक्रम की शुरुआत में ही की, जब आप विजय नरेश जी को लेकर कार्यक्रम करते हैं और वहाँ पर जब लखनऊ में राजेश जोशी जी आते हैं, तो मित्रों मैं उस चित्र को यहाँ स्क्रीन पर रख रहा हूँ। एक बेहद महत्वपूर्ण चित्र, और एक जो सिलसिला नरेश जी ने यह शुरू कर रखा है, एक बेहद महत्वपूर्ण और उतना ही कहिए इनके दिल के करीब विजय नरेश जी, उसको लेकर कई तरह के कार्यक्रम और उस पर वक्तव्य हर वर्ष कर रहे हैं। तो एक कुछ एक वर्ष पूर्व का यह चित्र है जिनमें राजेश जोशी जी उपस्थित हैं और अपनी बात रख रहे हैं। साथियों, ये साथियों तीन ये चित्र जो तीन हैं चित्र वो जो तो हैं वो तो मेरी जी दिवंगत मेरी पत्नी के दिवंगत हैं, पत्नी के हैं। और उसके पीछे जो चेहरा है वो राजेश जोशी का है, और राजेश जोशी अपना कविता पाठ कर रहे हैं। और ये भी कि उस कार्यक्रम में राजेश जोशी के अलावा जो स्टैंडिंग कॉमेडी करते हैं वरुण ग्रोवर, वो भी थे। और वरुण ग्रोवर को आप जानते हैं, बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन राजेश जोशी कभी हल्के नहीं पड़े मंच पर। उस मंच पर क्या, वो कभी किसी मंच पर हल्के नहीं पड़ते। और ये उनकी कविताओं की, उनके शब्दों की, उनके कौशल की ताकत है। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, और निश्चय ही जो यह बात आप कह रहे हैं कि एक साथ गंभीरता और लोकप्रियता दोनों ही मानकों पर राजेश जोशी जी खरे साबित होते हैं। उनकी कविताएं लोकप्रिय भी हैं और उसके पीछे की जो अपनी अर्थ व्यंजना है वह भी काफी गहराई के साथ है। तमाम ऐतिहासिक प्रसंग भी उनकी कविताओं में आते हैं। एक इस अवसर पर मित्रों, जब नरेश जी बोल रहे हैं और राजेश जोशी जी की कविताओं पर बोल रहे हैं, तो एक ऐसा चित्र मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, उसे आप देखें। वह और कुछ नहीं, राजेश जोशी जी की ही पुस्तक का चित्र है, दो पंक्तियों के बीच। यह किताब उन्होंने नरेश सक्सेना जी को समर्पित की है, और इससे हम यह भी समझते हैं कि कैसे कवियों के बीच की जो साझेदारी है वह आती है। दो पंक्तियों के बीच यह राजेश जोशी जी अपनी यह किताब मलय जी को, नरेश सक्सेना जी को और विजय कुमार जी को समर्पित करते हैं। तो ये कुछ एक बातें थीं, और इस अवसर पर मैं अपने उन श्रोताओं के और उन दर्शकों के भी नाम ले लूं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। विवेक मिश्र जी, श्रीधर करुणानिधि जी, श्वेतांक सिंह, दीप्ति सारस्वत, प्रतिमा जी, भानु प्रकाश रघुवंशी जी, कंचन जंघा पत्रिका, बाल कीर्ति, धनंजय सिंह, मीता दास जी, दिनेश चंद्र भट्ट जी, सरोज कौशिक जी, सुभाष राय जी, प्रयाग शुक्ल जी, राजेंद्र उपाध्याय जी, पद्मा त्रिपाठी जी, अलका तिवारी जी, सनोवर नासी, कुमार मुकुल जी, कुंदन सिद्धार्थ, रानी सिंह, प्रभा मिश्र जी, प्रभात सैनिक मास्टर जी,
कौशल किशोर जी, हृदयेश मयंक जी, मिथिलेश शरण चौबे जी, सुधीर मोता जी, रजत कृष्ण जी और तमाम लोग, और यह इतना सुखद नरेश सक्सेना जी का यह पोता जो इस वक्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है और इस कार्यक्रम के साथ बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, आपने इसके लिए समय निकाला और यह बातचीत संभव हो सकी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और मित्रों, इसी के साथ आज की यह कड़ी समाप्त होती है। कल हम एक नए कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और राजेश जी से जुड़ी कुछ और बातचीत करते हैं। नमस्कार।